हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक का आज है लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 17 के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि जो आपका ग्रुप नंबर 16 है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग ने ग्रुप नंबर 15 कम्प्लीट किया, ग्रुप नंबर 16 कम्प्लीट किया। अब हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 17 के बारे में। तो देखिए, रिविज़न करते रहिएगा प्लीज़। आप ग्रुप नंबर 16 का रिवीजन करिए, ग्रुप नंबर 15 का रिवीजन करिए, इसके बाद आपका ग्रुप नंबर 17 आएगा, उसके बाद आपका 18 आएगा, और फिर आपका पी ब्लॉक जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग आज हम लोग देखिए, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो है, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि ग्रुप नंबर 17 में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई इनके अकरेंस के बारे में, कि आपको किस फॉर्म में मिलते हैं। तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप नंबर 17 में। ठीक है, कौन कौन से? फ्लोरीन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। इनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइलोजन्स कहते हैं। दैट इज़ आर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं आपके? हाइलोजन्स हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इनको हम लोग हाइलोजन्स कहते क्यों हैं। व्हाट इज़ अ रीज़न बिहाइंड हैलोजन्स, इनको हम लोग हाइलोजन्स क्यों कहते हैं? तो देखिए, हेलो का मतलब होता है, ये दो वर्ड से बना है, हेलो जीन्स। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? हेलो का मतलब आपका होता है सॉल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है ग्रीक लैंग्वेज में? हेलो का मतलब होता है आपका सॉल्ट। और जीन का, दैट इज़ हेलो जीन्स, जीन्स का मतलब होता है आपका बॉर। तो बॉर दो जो आपको सॉल्ट प्रोड्यूसर, यानी हेलोजन्स मतलब, हेलोजन्स मतलब होता है आपका सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे थे कि ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हेलोजन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। क्लियर एवरीवन? तो देखिए, अगर हम लोग इन एलिमेंट्स की बात करें, दैट इज़ आर ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होती है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स से। ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, क्या कह रहे हैं? जो आपके ग्रुप नंबर 17 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं किससे? ग्रुप नंबर 1 से और ग्रुप नंबर 2 से। ठीक, अब हम लोग इनके अकरेंस के बारे में बात करते हैं कि ये आपको नेचर में किस फॉर्म में मिलेंगे। देखिए, इनका इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब आपके 1 मार्कर्स की वैल्यू और बढ़ गई। प्रीवियस साल में आपके आई थिंक 20 मार्क्स के आते थे 1 मार्कर्स, अब आपके 22 मार्क्स के आने वाले पैराग्राफ आपको मिल रहा है, तो कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए हम लोग छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अकरेंस के बारे में, कि व्हाट इज अकरेंस, इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ है। तो देखिए, जो आपका फ्लोरीन है और क्लोरीन है, दीज एलिमेंट्स आर फेयरली अबंडेंट। आपसे एनसीईआरटी में बोलता है दैट फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट, वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस। आपसे कह रहा है कि जो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये आपको अबंडेंट मिलते हैं, आपको नॉर्मली मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग ब्रोमीन के बारे में बात करें, आयोडीन के बारे में बात करें, तो क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा लेस क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम लोग फ्लोरीन के अबंडेंस के बारे में बात करते हैं। फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है, ये बिलोंग करता है एपेटाइट फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखिए, किस किस फॉर्म में आपको मिलता है? ये आपको मिलता है CaF2 के फॉर्म में, ठीक है, फिर आपको मिलता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, फिर आपको मिलता है फ्लोरोएपेटाइट के फॉर्म में भी आपको फ्लोरीन मिलता है, विच इज़ 3Fe3PO42- + CaF2 के फॉर्म में भी कौन मिलता है आपको? फ्लोरीन मिलता है। फिर स्मॉल क्वांटिटी में भी आपको फ्लोरीन किस किस में मिलता है? सॉइल में मिलता है,
ठीक है, और रिवर में भी आपको मिलता है, और प्लांट्स के रिवर वाटर के प्लांट्स में भी मिलता है आपको, और बोन और टीथ में मिलता है एनिमल्स के, सॉइल में मिलता है, और किस में मिलता है आपको, बोन्स एंड टीथ, किसके बोन्स और टीथ में मिलता है आपको, फ्लोरीन एनिमल्स के, ठीक है, एनिमल्स के बोन्स और टीथ में भी आपको फ्लोरीन मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका सी वाटर होता है, आपका जो सी वाटर है उसमें आपको मिलते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इन फॉर्म ऑफ Na, के, Mg एंड C। क्या कह रहे हैं कि आपका जो सी वाटर उसमें आपको क्या मिलता है, क्लोराइड मिलता है, ब्रोमाइड मिलता है, आयोडाइड मिलता है विथ Na, के, Mg एंड Cl। जैसे आपको सी वाटर में क्या मिलता है, NaCl मिलता है, इस टाइप से, ठीक है। फिर अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडीन आपको मैरीन लाइफ में भी मिलता है, दैट कंटेन द फॉर्म ऑफ सम मैरीन लाइफ। जो आपको आयोडीन है वो किस में मिलता है आपको, मैरीन लाइफ, यानी जो हमारे मैरीन एनिमल्स होते हैं इनमें आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा आयोडीन मिलता है। तो देखिए यही था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोगों ने आपको बताया कि देखिए ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और इनके अकरेंस क्या क्या हैं। तो देखिए अकरेंस का ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आपको बता दिया ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, इसको आप ऐसे ही रखिए कि अच्छा ठीक है इस फॉर्म में मिलता है आपको। फॉर एग्जांपल जैसे जो मेन चीज़ है, जैसे आपको ये बताया जा सकता है कि फ्लोरीन आपको किस फॉर्म में मिलता है, तो क्रायोलाइट के फॉर्म में भी मिलता है। जो फॉर्मूलेज हैं प्लीज़ उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर करूँ। थैंक यू एवरीवन।